नमस्कार, मैं बीना सिंह और आप देख रहे हैं आर एडी न्यूज की खास पेशकश देश हमारा। देशभर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। भारतीयों का स्विस बैंकों में पैसा 20,000 करोड़ रुपए के पार, 13 साल में सबसे बड़ी छलांग, चौकीदार पर उठने लगा है सवाल। असम में कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने विधानसभा और पार्टी की सदस्यता छोड़ी, कहा राहुल गांधी नेता रहे तो आगे नहीं बढ़ेगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सुविंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग, अध्यक्ष के सचिव को पत्र सौंपा। सुप्रीम कोर्ट का स्टूडेंट एक्टिविस्ट दिवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार, कहा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं बनेगा नजीर। मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को यूपी पुलिस का नोटिस, 7 दिनों के भीतर बयान दर्ज कराने को कहा। और अब पेटीएम के प्रमोटर नहीं रहे विजय शेखर शर्मा, 12,000 करोड़ रुपए की ताजा इक्विटी लाने की योजना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस आज भी देश में मौजूद है और इसके स्वरूप बदलने की संभावना बनी हुई है, इसलिए सभी सावधानियां बरतने के साथ ही भावी चुनौतियों से निपटने के लिए देश की तैयारियों को ज्यादा मजबूत करना होगा। हर देशवासी को मुफ्त टीका लगाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने सहित बचाव के सभी उपायों का पालन करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम मोर्चे के योद्धाओं के विशेष रूप से तैयार एक क्रैश कोर्स की शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में ये बातें कहीं। किसी विषय विशेष की जानकारी देने और कौशल विकसित करने के मकसद से अल्प अवधि के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम को क्रैश कोर्स कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई मामले में यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैगजीन डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्हें 7 दिन के भीतर लोनी बॉर्डर थाने में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। नोटिस में ये भी लिखा गया है कि ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा अपने ट्विटर हैंडल का प्रयोग करते हुए समाज में घृणा और विद्वेष फैलाने के लिए प्रेषित संदेश का ट्विटर ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस मामले में यूपी पुलिस ने पहले ही ट्विटर और कई पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की हुई है। मंगलवार को दर्ज मुकदमे में ट्विटर, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑल न्यूज के संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर, पत्रकार राणा आयुब, समाचार वेब पोर्टल द वायर, पत्रकार सबा नकवी, कांग्रेस नेता मशकूर उस्मानी, कांग्रेस नेता सलमान निजामी और कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद को अभियुक्त बनाया गया है। यह मुकदमा एक एडिटेड वीडियो को वायरल करने के संबंध में दर्ज किया गया है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग की पिटाई होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट एक्टिविस्ट दिवंगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को किसी भी अदालत में मिसाल के तौर पर नहीं रखा जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्तों की रिहाई में इस समय कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि अभी अंतिम आदेश के लिए इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत गुप्ता और वी सुब्रमण्यम की अवकाश खंडपीठ ने स्टूडेंट एक्टिविस्ट दिवंगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल की जमानत चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की है। इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट को दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून को जमानत दी थी। उन्हें 17 जून को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि पायलट के साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि पायलट के साथ वह और कांग्रेस के संगठन
महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बातचीत कर रहे हैं। पायलट और उनके समर्थक विधायकों के नाराज होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी ने कहा कि ये सब बातें बेबुनियादी हैं। उल्लेखनीय है कि पायलट हाल ही में कई दिनों तक दिल्ली में थे और फिर जयपुर लौटे हैं। ऐसे में अटकलें चल रही थी कि उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि माकन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पायलट कांग्रेस के स्टार हैं और अगर वह किसी से मिलना चाहेंगे तो यह संभव ही नहीं है कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुविंदु अधिकारी ने टीएमसी में शामिल होने वाले विधायक मुकुल राय की विधानसभा सदस्यता खारिज करने की मांग की है। सुविंदु अधिकारी ने शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में इस मांग के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा। हालांकि अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा है कि उनको अब तक कोई पत्र नहीं मिला है। हाल ही में मुकुल रॉय ने टीएमसी में शामिल होने के बाद से सुविंदु अधिकारी उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठाते रहे हैं। वे बृहस्पतिवार को भी विधानसभा परिसर गए थे, लेकिन जिस सेशन में पत्र जमा किया जाता है वो बंद होने के चलते वो पत्र जमा नहीं करा सके थे। अब सुविंदु अधिकारी ने वो पत्र शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर में उनके निजी सचिव को सौंपा है। उस समय अध्यक्ष दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इस पत्र में सुविंदु अधिकारी ने अध्यक्ष से दल बदल कानून के तहत मुकुल रॉय की सदस्यता शीघ्र खारिज करने की अपील की है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे कि कैसे भारतीयों का स्विस बैंक में 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है पैसा और ये 13 साल में सबसे बड़ी छलांग क्यों है। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए, इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है, ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो, ये लूट चलाइए। और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण 7 साल पहले का है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए पीएम मोदी का ये भाषण ये साबित करता है कि इस देश में चौकीदार ही चोर है। ये हम नहीं कह रहे, पीएम मोदी के भाषण को ध्यान से सुने तो इसका सार यही है। काला धन को लेकर जो आरोप वे कांग्रेस सरकार पर लगाते रहे, आज वही आरोप उन पर लग रहा है, क्योंकि उनके काला धन वापस लाने के वादे के बीच स्विस बैंक में भारतीयों के फंड्स 27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। यानी कि पीएम मोदी के 7 साल के शासन काल में अकेले स्विस बैंक में काला धन में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। स्विस बैंकों में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 20,700 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी नगद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों, बॉन्ड समेत अन्य वित्तीय उत्पादकों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। हालांकि इस दौरान बैंक के पास ग्राहकों की जमा राशि कम हुई है। स्विस बैंकों में ये कोष भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए रखे गए हैं। स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का साल कोष 2019 के अंत में 79.9 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी कि 6,625 करोड़ रुपए था।
ये 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 20,632 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले लगातार 2 साल इसमें गिरावट आई थी, लेकिन स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से जारी सालाना आंकड़े के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों के धन पिछले 13 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यानी कि पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। जबकि सुनिए खुद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सरकार बनने से पहले क्या दावा कर रहे थे कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए, इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है, ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन कि काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो, ये लूट चलाइए। और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। तो सुना आपने, पीएम मोदी विदेशी बैंकों में रखे धन को काला धन बता रहे थे और गरीबों और किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा बता रहे थे और उसे वापस लाने का भरोसा दे रहे थे, लेकिन स्विस बैंक में भारतीयों की रकम बढ़ना उल्टा इशारा करता है। स्विस बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2006 में यह करीब 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के रिकॉर्ड स्तर पर था। उसके बाद इसमें 2011, 2013 और 2017 में छोड़कर गिरावट आई। स्विस बैंक के मुताबिक 2020 के अंत में भारतीय ग्राहकों के मामले में स्विस बैंकों की कुल देनदारी 255.74 करोड़ CHF है। इसमें 50.9 करोड़ स्विस फ्रैंक ग्राहक जमा के रूप में है, वहीं 38.3 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी कि 3,100 करोड़ रुपए से अधिक अन्य बैंकों के जरिए रखे गए हैं। न्यास यानी कि ट्रस्ट के जरिए 20 लाख स्विस फ्रैंक यानी कि 16.5 करोड़ रुपए, जबकि सबसे ज्यादा 166.48 करोड़ स्विस बैंक बॉन्ड प्रतिभूति और अन्य वित्तीय उत्पादों के रूप में रखे गए हैं। हम आपको बता दें कि ये वो आंकड़ा है जो बैंकों ने स्विस बैंक को दिए हैं और फिलहाल इसके जरिए भारतीयों द्वारा स्विट्जरलैंड के बैंक में रखे जाने वाले काले धन के बारे में कोई पुख्ता संकेत नहीं मिलते हैं। इन आंकड़ों में वह राशि भी शामिल नहीं है जो भारतीय प्रवासी या अन्य तीसरे देशों की इकाइयों के जरिए स्विस बैंकों में रख सकते हैं। SNB के अनुसार उसका आंकड़ा भारतीय ग्राहकों के प्रति स्विस बैंकों की कुल देनदारी को बताता है। इसके लिए स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के सभी प्रकार के कोषों को ध्यान में रखा गया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से बैंकों और कंपनियों से प्राप्त जमा राशि शामिल है। इसमें भारत में स्विस बैंकों की शाखाओं से प्राप्त आंकड़े गैर जमा देनदारी के रूप में शामिल हैं। कुल मिलाकर स्विस बैंकों में विभिन्न देशों के ग्राहकों की जमा राशि 2020 में बढ़कर करीब 2000 अरब स्विस फ्रैंक पहुँच चुकी है। इसमें से 600 अरब स्विस फ्रैंक विदेशी ग्राहकों की जमा राशि है। सूची में ब्रिटेन अव्वल है, उसके नागरिकों के स्विस बैंकों में 377 अरब स्विस फ्रैंक जमा है। उसके बाद अमेरिका का स्थान है। दुनिया के 10 देशों में वेस्ट इंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, कैमैन आइलैंड और बहामास है। भारत इस सूची में 91 स्थान पर है और न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में आगे है। ब्रिक्स देशों में भारत, चीन और रूस से नीचे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आगे है।
हम आपको बता दें कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर मामलों में सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था 2018 से है, लेकिन इसके बावजूद देश की चौकीदारी कर रहा चौकीदार स्विस बैंक में कालाधन में बढ़ोतरी रोक नहीं पाया। इटली के जिस मिशेल मामा को नामदारों ने भगा दिया था, उसको और उसके दूसरे साथियों को ये चौकीदार दुबई से उठाकर लाया है। हैरानी करने वाली बात ये है कि काला धन लाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ने वाले बाबा रामदेव समीज और सलवार पहनकर दिल्ली के रामलीला मैदान से अपनी जान बचाकर भागे थे, लेकिन चौकीदार के आने के बाद उनकी भी जुबान बंद हो गए। मतलब साफ है, हमाम में सब नंगा है, चाहे वो चौकीदार हो या फिर चोर, बस देश की मासूम जनता को ठगने का तरीका अलग अलग है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने शुक्रवार को पीटीआई भाषा को बताया है कि जिले के दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चन्ना मेटा और पायर भाटा गांव के मध्य जंगल में सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया है। सुंदर राज ने बताया है कि सुरक्षा बलों को बस्तर और सुकमा जिले के सरहदी क्षेत्र चांदा मेटा, पटेल पारा, गदमे पारा, अंडाल पारा, तुलसी डोंगरी, पायर भाट और आसपास के क्षेत्र में दरभा डिवीजन के कांगेर घाटी एरिया कमेटी के माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद बस्तर और दंतेवाड़ा जिले की DRG जिला पुलिस बल तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 80वीं और 227वीं वाहिनी के संयुक्त दल और नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया है कि आज सुबह करीब 8 बजे जब सुरक्षा बल के जवान चांदा मेटा और पायर भाट गांव के मध्य जंगल में थे, तब नक्सलियों ने बस्तर DRG के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से भाग गए। बाद में जब सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की तलाशी ली, तब वहां वर्दीधारी एक महिला नक्सली का शव मिला। एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल, 12 बोर की बंदूक और भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद किया गया। बिहार के सहरसा में एक 20 वर्षीय युवक का संदिग्ध हालत में उसके ही घर से शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बीते देर रात सदर थाना क्षेत्र के सिमराहा वार्ड नंबर 35 की है। मृतक युवक का नाम लोकेश राज उर्फ लेनचन बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक के पिता की माने तो वो घर से बाहर थे। उन्हें जब घटना की जानकारी मिलने पर वह अपने बेटे को देखने पहुंचे तो वह मृत पड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक मृतक और उसका भाई घर पर रहता था। वहीं पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रही है। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। असम विधानसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार बताते हुए पार्टी के विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने विधानसभा और पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। रूप ज्योति कुर्मी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में युवा नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, इस कारण सभी राज्यों में पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। रूप ज्योति कुर्मी ने कहा, राहुल गांधी नेतृत्व करने में नाकाम है, अगर वो कमान संभाले रहेंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। रूप ज्योति कुर्मी ने हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने AIUDF के साथ गठबंधन को बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। पार्टी हाईकमान सिर्फ उम्रदराज नेताओं को ही प्राथमिकता देते हैं। हमने उनसे कहा था कि इस बार कांग्रेस के सत्ता में आने के अच्छे मौके हैं। हमें AIUDF के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, ये एक गलती होगी, ये वाकई एक गलती थी। कांग्रेस को असम विधानसभा चुनाव में 29 सीटें हासिल हुई थी। असम में पार्टी को लगातार दूसरी बार हार झेलनी पड़ी है। असम की 126 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटें हासिल की हैं और लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। AIUDF 16 सीटें जीतने में कामयाब रही। रुक करते हैं देश के बाहर की खबरों की ओर।
उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने कहा है कि उनके देश को अमेरिका के साथ बातचीत और टकराव दोनों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। किम जोंग ने अमेरिका के साथ टकराव के लिए तैयार रहने पर खास तौर से जोर दिया है। यह पहली बार है जब किम जोंग उन ने अमेरिका की बाइडेन सरकार को लेकर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी की है। बाइडेन प्रशासन की तरफ से राजनीतिक संवाद की कोशिशों को उत्तर कोरिया ने खारिज कर दिया था। किम जोंग उन ने प्योंगयांग में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में ये बातें कही हैं। सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक इसी हफ्ते राजधानी प्योंगयांग में शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि कोविड 19 संकट के कारण दुनिया भर में लोगों की आवाजाही बाधित होने के बावजूद युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानव अधिकार के उल्लंघन से पिछले साल करीब 30 लाख लोगों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। UNHRC ने शुक्रवार को जारी की अपनी ताजा ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में विस्थापित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 8.24 करोड़ हो गई है, जो करीब करीब जर्मनी की आबादी जितनी है। लगातार 9वें साल मजबूरन विस्थापित लोगों की संख्या में वार्षिक वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा कि मोजाम्बिक, इथियोपिया के ग्रेटे क्षेत्र और अफ्रीका के साहेल इलाके जैसे स्थानों में संघर्ष और जलवायु परिवर्तन का असर शरणार्थियों के विस्थापन की मुख्य वजहों में से एक है। ग्रांडी ने रिपोर्ट के जारी होने से पहले एक साक्षात्कार में कहा, ऐसे साल में जब हम सभी अपने शहरों, समुदायों में अपने घरों तक सिमट कर रह गए तो लगभग 30 लाख लोगों को असल में विस्थापित होना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। UNHRC ने कहा कि 160 से अधिक देशों में 99 देशों ने कोविड 19 के कारण अपनी सीमाओं को बंद कर दिया। गांधी ने कहा कि अपने देश में ही विस्थापित हुए लोग एक बार सीमाएं खुलने के बाद विदेश भागेंगे। उन्होंने आगे कहा, इसका अच्छा उदाहरण अमेरिका है, जहां हाल के महीनों में हमने बड़ी संख्या में लोगों को आते देखा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हाल ही मध्य अमेरिका की यात्रा के दौरान भविष्य के शरणार्थियों को अमेरिका न आने के लिए कहने वाली टिप्पणी पर गांधी ने उम्मीद जताई कि यह टिप्पणी संभवतः अमेरिका के संपूर्ण नीति को नहीं दर्शाती। और अब खबरें कारोबार जगत की। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने जा रही है। इसके तहत उसकी योजना $1.6 अरब के नए शेयर बेचने की है। कंपनी ने इसके लिए शेयर होल्डर्स से मंजूरी मांगी है। कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग 12 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही है। पेटीएम ने एक नोटिस में यह बात कही है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने पिछले महीने खबर दी थी कि पेटीएम $3 अरब का IPO लाने जा रही है। इसके शेयर धारकों में सॉफ्ट बैंक ग्रुप, कार्ब, वर्कशायर हेल्थवे इन और एंट ग्रुप शामिल है। देश में इस साल IPO से अब तक $4 अरब जुटाए जा चुके हैं, जो 2018 के बाद साल की सबसे अच्छी शुरुआत है। कंपनी जुलाई की शुरुआत में ही सेबी को अपने IPO के बारे में आवेदन सौंप सकती है। पेटीएम के साथ ही अपने फाउंडर विजय शेखर शर्मा को प्रमोटर की भूमिका से हटाने की योजना है, जिससे उनके लिए अनुपालन जरूरतों और शर्तों को मानना आसान हो सकता है।